उसके लिए सड़क सुरक्षा समिति दुर्घटना कम और ऐसा ऐसा उपाय करेंगे और दुर्घटना बढ़ जाए तो जहां जहां और ऐसे भी प्रशासन को संवेदनशील होना है कि कोई जनता अगर किसी प्रकार और उचित है इसका मतलब कि हमारे यहाँ से जो उसको एड्रेसिंग होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, तब एक बार उनको बुलवा लीजिए। धनबाद सांसद की अध्यक्षता में टाउन हॉल में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की गई। मौके पर धनबाद सांसद पीएन सिंह, उपायुक्त संदीप कुमार, टुंडी विधायक मथुरा महतो, एडीएम कुमार ताराचंद, एसडीएम प्रेम कुमार डीडीसी, डीटीओ ओम प्रकाश यादव और नगर आयुक्त के अलावे सड़क सुरक्षा के पदाधिकारी और पथ निर्माण और साथ विभाग के लोग मौजूद रहे। इससे हम बात करें कहाँ है उसका पत्थर निकालता जैसे बिजली विभाग वाले हैं कोई एक्सीडेंट कर रहा है, आप लोग भी अपने यहाँ एक चीज जरूर देख रहे हैं। चार्ज नहीं हुई है सर, फर्स्ट पार्ट में वो डिगिंग करके पाइप डालता है, उसके बाद पूरा पाइप लीक हो जाने के बाद उसमें केबल डालते हैं। जैसे नॉर्मली डिगिंग करने के कितना दिन बाद वो रोड वापस रिस्टोर कर पाएगा? अगर टोटल बेचे लेवल रहे तो उसको टोटल वर्क में 2 महीने लग जाएंगे सर। पीट बनाता है, उसके अंदर टू पाइप डालता है, ऐसे वही पीट उसमें आप एक काम कीजिए, परिवहन पदाधिकारी जो आपका रोड सेफ्टी सेल है, अगर उनको शहर के मेन मेन स्पॉट्स और यहाँ जैसे लिए एक बिंदु बताया गया। यार सबसे आपको तजुब की बात होगी कि 10 ठो पत्थर उठाने के लिए लोग सांसद के पास अप्रोच कर, पब्लिक के वांसेस को सुनने वाला पब्लिक सीधे जाए और कहे कि हमारे अफसर उठवाइए, तो उनको एक बार बता दीजिए। ऑन रोड कोई पार्किंग ना हो, और यहाँ धनबाद में देख रहे हैं कि ऑन रोड पार्किंग कहा होगा पार्किंग, लेकिन रोड को सक्रिय कर दे रहा है उसने। क्या उपाय होगा कि रोड क्लियर मिले? उसमें जो प्रैक्टिकल समस्या है वो यही है कि दुकानें हैं छोटी, रोड और रोड के जस्ट बगल में दुकानें, 2-3 किलोमीटर के स्ट्रेच में कहीं पर वर्तमान में हमारे पास पार्किंग स्पेस उपलब्ध नहीं है। ऑन रोड और एनएच पर या पीडब्ल्यूडी के उस पर आप सड़क पर गाड़ियां खड़ी है, बाइक खड़ी है, पूरा रास्ता और 3 गाड़ी के जगह पर 1 गाड़ी निकलना मुश्किल हो जा रहा है। गाड़ियां हटा देते हैं तो चूंकि हम उसको कोई दूसरा पार्किंग स्पेस नहीं दे पा रहे हैं। आप पता नहीं नगर आयुक्त जी बतलाएंगे, पार्किंग स्पेस बनाया जा सकता है मुख्य सड़क के किनारे ही, और एक फैल दोनों साइड आपका बनाया जा सकता है, तीनों साइड दोनों साइड में गाड़ियां खड़ी। अब यह ठीक है कि उधर ठेला है, इधर जो है फुटपाथ दुकान, तो एक्चुअली वो भी उधर बढ़ाया जा सकता है बॉम्बी शांति भवन मार्केट में। आज की बैठक में सड़क सुरक्षा से संबंधित चर्चाएं की गई। सांसद ने कहा कि बिजली विभाग या टेलीफोन विभाग के द्वारा सड़कों पर गड्ढे करके छोड़ दिए जाते हैं, इसकी लगातार शिकायतें मिल रही है जिससे दुर्घटना भी हो रही है। बरसात के दिनों में गड्ढे में पानी भर जाता है, लोग गड्ढे में गिर जाते हैं, विभाग के लोग फेंका फेंकी का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन को संवेदनशील होना चाहिए। साथ ही साथ सांसद ने कहा कि सड़कों के दोनों साइड लोग सड़क पर ही गाड़ियां लगा देते हैं जिससे शहर में जाम की समस्या हो जाती है, इससे भी प्रशासन को पहल करने की जरूरत है।
कई दिन आज सड़क सुरक्षा समिति की बैठक धनबाद में आयोजित की गई थी। इसे प्रतिमाह करना है और इसका मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट कर रही है, क्योंकि दुर्घटना दर इस देश में बढ़ती जा रही है। अब दुर्घटना दर को कम किया जाए, उसके लिए सड़क अच्छी हो, आवागमन में जहाँ पर कहीं अवरोधक बन रहा है मार्ग तो उसको ठीक किया जाए, कहीं है कि बिल्कुल लगातार उसी स्पॉट पर दुर्घटनाएं अधिक होती है, तो सब पर हम लोग सारे विषय को फिर यहाँ धनबाद में जो जाम की समस्या है, जिसके लिए नया उपायुक्त आने के बाद उन्होंने पहल किया है और बहुत तेज गति से उस कार्य को अब लगता है कि अंतिम बनने की स्थिति में पहुंच रहा है। तो हम लोग सारे विषय पर सड़क सुरक्षा की बैठक में चर्चा किए, जो अपूर्ण है, कई निर्णय पूर्व में भी लिए गए थे, जैसे लिंक रोड से मुख्य सड़क पर खासकर नौजुवक बाइक से आते हैं तेजी गति से और सामने तेज गति से गाड़ी, वो बाएं दाएं देखते नहीं है और ऐसी घटनाएं ज़्यादा हो रही है। तो पिछली बार हम लोग निर्णय लिए थे कि जो लिंक रोड है गांव से आ रहा है मुख्य सड़क, उसके 20-25 फीट 30 फीट पहले अवरोधक बना दिया जाए कि वहां से कोई गाड़ी हो, बाइक हो, कार हो, वह धीरे से। तो काफ़ी दिन हो गया है, अभी राज्य सरकार के पास स्वीकृति के लिए गया है, फिर यहाँ सिग्नल का मामला है, जो शहर में सब जगह सिग्नल, उसको भी अभी विलम्ब है, बहुत दिनों से ये भी मामला चल रहा है। अभी आपने कई बातों को सामने रखा, जो सिस्टम है सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। नहीं, वह सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए तो ये सड़क सुरक्षा समिति है, फिर यहाँ जो बस की समस्या है, जो नया स्टेशन नहीं जाने, उस पर हमने कहा है कि इस पर आप विचार करें, कि वह जो बोकारो जाना है, रांची जाना है, जमशेदपुर जाना है, उस सिंदरी जाना है, वो सब बसें वहाँ पर स्टेशन होकर जाए, जिसको बाहर है वह जो रूट बना है उसके अनुसार चले, फिर छोटी जो चाहे मालवाहक गाड़ियाँ हैं जिससे काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए हैं, 4-7 वगैरह से जो घरेलू सामान हो उसको भी उस पर समीक्षा करेंगे और समीक्षा करके जिला प्रशासन उसके बारे में भी, या दो बातें जो अभी चारों तरफ ज्वलंत मुद्दा था तो उस पर भी चर्चा होगी।